राधे राधे दोस्तों, दोस्तों हमारे जीवन की मूलभूत आधार धन है। धन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हर छोटी जरूरत के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। एकल परिवार हो गए, बढ़ते हुए लोन, बढ़ती हुई इच्छाएं, बढ़ती हुई आकांक्षाओं ने इस धन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। इस भौतिकवादी युग में धन के बिना आप अपने जीवन की तो कल्पना छोड़िए, अपने रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछेंगे, अपने खुद के बच्चे आपको रेस्पेक्ट नहीं देते। धन को कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं, धन को कैसे हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हर समय परेशान रहते हैं, कर्ज में फंस गए हैं, पैसा आ नहीं रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, या आपको जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है। तो धन ही धन को खींच कर लाता है और हम यही एक आज के भौतिकवादी युग में यही भूल गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक मनी चल गई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे कार्ड, यानी सब कुछ हम कार्ड से कर रहे हैं, यानी प्लास्टिक मनी का यूज कर रहे हैं, तो पैसा अट्रैक्ट होकर आ नहीं रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको वही विशेष आपको बताने जा रही हूँ, कैसे आप अपने धन को अपने ही द्वारा आकर्षित कर सकते हैं बिना किसी पूजा पाठ के। आइए दोस्तों, मैं आपकी ऐशोदोस्त ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों पहले मैं एक ही वीडियो में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती थी, अब मैंने ये दोनों वीडियो के पार्ट अलग कर दिए हैं। तो 3:12:11 पर मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर अपलोड हो रहे हैं। आप उन्हें करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आप सकारात्मक होते जाते हैं, कैसे आपकी नेगेटिविटी खत्म होती जाती है, कैसे आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। तो प्लीज मेरा वो वीडियो भी जरूर देखिए, उन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए। आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑन कर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों धन, पहले जब ये बैंक वगैरह नहीं थी, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं थे, तो हम घर में ही धन को अपने लाकर रखते थे। घर में जब भी धन आता तो पहले हम ईश्वर के चरणों में अर्पित करते थे, उसके बाद अपने लॉकर स्थान में रखते थे और कुछ धन हमारे घर में हमेशा रहता था। लेकिन अब प्लास्टिक मनी हो गई है, सब कुछ कार्ड से होता है, तो घर में धन देखने को ही नहीं मिलता है। जो चीज आपके पास नहीं है तो फिर वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगी कैसे? तो जब भी आपके घर में धन आए, जब भी आपको सैलरी आए, आपके बिजनेस में आए, कुछ धन आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए। उसके कुछ भी मात्रा लाइए, अपने घर में लाइए, घर के मंदिर में रखिए। उस दिन आप उसको माता मां लक्ष्मी के चरणों में रखे रहने दीजिए, उसके बाद उसको आप अपने घर में रखिए, अपने लॉकर स्थान में रखिए। ना भी आप कोई बड़ी रकम ला सकते हो तो कम से कम 1000 रुपए, 500 रुपए, जो आपके लिए पॉसिबल हो वो लेकर आइए, घर के मंदिर में रखिए और उसके बाद उसे ले जाकर धन स्थान पर रखिए। अपने धन को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का फ्लो बढ़े, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो चाहता है जीवन में धन बढ़े, तो अपने मंदिर में कुछ धन रखिए, अपने किचन में चावल के डिब्बे में जरूर धन रखिए, कुछ सिक्के अपने हल्दी के डिब्बे में डालिए, कुछ सिक्के अपने साड़ियों के बीच में दबा कर रखिए। कहने का तात्पर्य अपने जो चार घर के आपके जो चारों कोने हैं, कुछ 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 सिक्के आप उन जगह पे कुछ नोट आप दबा कर रखिए, लिफाफों में डालकर रखिए, येलो करके कलर के और रेड कलर के लिफाफों में डाल डाल के पैसे रखिए और रखकर छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार चेक मत करिए, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट। देखिए धन ही धन को खींच कर लाता है। कहते हैं ना चीजें बिखरी हुई हैं, तो बिखरी हुई चीजें हमको ज्यादा लेकर आएंगी। वो जगह जगह जब धन चारों तरफ फैलेगा तो सभी दिशाओं से आना शुरू होगा। और हम क्या करते हैं, अपने घर में धन ही नहीं रखते हैं, तो जब जगह जगह आपके सभी कोनों में, आपको अलमारियों में, घर की हर अलमारी में रखिए आप पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा रखिए। जितने भी पर्स हैं, आप लेडीजें ज्यादा पर्स यूज करती हैं, हर पर्स में कुछ कुछ पैसे डालकर रखिए। ये अट्रैक्ट करके लाते हैं, धन को हमेशा आपके पास खींच कर लाते हैं। अपने घर में जो भी आपकी साउथ की अलमारी है या साउथ की वॉल से लगी कोई भी अलमारी, उसमें पैसा जरूर रखिए। आपके जो गहने हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सिक्के या पैसे जरूर रखिए, क्योंकि जिससे कि आपका गहना भी मल्टीपल हो। साथ में ही कुछ पैसा अपने आईने के आगे, यानी कि शीशे के आगे रखिए। चाहे तो आप अपने धन स्थान में जहां आपने धन रखा हुआ है वहां पर भी आप एक शीशा रख सकते हैं, दक्षिण की तरफ, दक्षिण वाली वॉल पर आप शीशा लगा दीजिए, धन आपका मल्टीपल होकर उत्तर की तरफ आना शुरू होगा। जब चीजें अट्रैक्ट होकर बढ़कर आएंगी तभी तो आपके जीवन में आएंगी, जिससे कि आपके धन में वृद्धि हो। आप कोई पूजा पाठ ना भी करें तब भी आपका धन बढ़ता रहे। इसके साथ ही महीने की जो भी आपको सैलरी मिलती हो उनके लिए, या बिजनेस है, कोई एक तारीख निश्चित कर लीजिए, 1 तारीख, 5 तारीख, कोई भी तारीख निश्चित कर लीजिए। एक निश्चित रकम इस सोच लीजिए आपको, आपको कितनी रकम अपने घर के मंदिर में रखनी है। एक चाहे तो ग्रीन कलर की थैली से लीजिए, येलो कलर की या रेड कलर की,
उस थैली में आपको एक आप चांदी का सिक्का रख दीजिए, एक सुपारी रख दीजिए, 3 हल्दी की गांठें रख दीजिए, रुद्राक्ष है आपके पास तो रुद्राक्ष रख दीजिए, कुछ 10, 5, 1, 2 के सिक्के डाल दीजिए। अब जो आपने धन आप लेकर आए हैं उसमें से आपको ये तय करना है कि आपको ये धन कितना आपको बचत करनी है, कितना आपको गणेश जी को अर्पित करना है और कितना आपको इसको दान खाते में डालना है, ये आपको पहले दिन ही आपको डिसाइड कर लेना है। अब मान लीजिए आपने 1,000 करोड़ रखा लाए हैं आपने मंदिर में रखा है, तो 200 रुपए गणेश जी के में डाल दीजिए, 200 दान खाते में डाल दीजिए और 600 अपनी गुल्लक में डाल दीजिए। एक गुल्लक भी बना लीजिए ऐसी जिसे आप खोल ना सकें। दोस्तों क्या होता है, लालच में जब भी हम इस तरह की गुल्लकें बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर हम खोल लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास तो धन टिकता ही नहीं है। ये इससे धन टिकेगा आपके घर में। वो जो 200 रुपए आपने ग्रीन थैली में डाले हैं उसे कहीं लॉकर स्थान में रख दीजिए, 200 रुपए जो आपने दान खाते निकाले हैं वो अपने घर के मंदिर में एक गुल्लक बनाकर रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए, 600 रुपए की गुल्लक आप दक्षिण की साइड में यानी कि साउथ की वॉल की तरफ लगी हुई किसी भी अलमारी में गुल्लक रख दीजिए, उसमें जमा करना शुरू कीजिए। 1 साल बाद आप इसको निकालिए, जो आपने गणपति गजानन भगवान के लिए जो थैली से ली है उसमें से निकालिए, उसमें से चाहे आप चांदी सोना कुछ भी खरीद के वापस उस थैली में डाल दीजिए, हल्दी की गांठें पुरानी निकाल दीजिए, नया रख दीजिए। जो आपने दान खाते में रखे उससे सिर्फ और सिर्फ आप दान ही करें, किसी बच्चे की फीस भर दीजिए, किसी को अनाज दिलवा दीजिए, किसी को कपड़े दिलवा दीजिए, किसी जो भी आपको जरूरत है और आपको लगता है कि ये पैसे कम है तो उसमें कुछ आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। और जो आपने गुल्लक में रखे उससे सिर्फ और सिर्फ आप चाहे तो अपनी एफडी बनवाइए और चाहे तो गोल्ड खरीदिए, वो कितना भी हो, 5,000 हो, 7,000 हो, जो भी आ जाए उसमें एक नाक की कीली आएगी काफी है। आपके सोना चांदी तो आपके घर में बढ़ेगा, मल्टीपल रूप में आपके पास धन खिंचकर आने लगेगा और धन आपके पास जमा होने लगेगा और आपका जो कर्ज है जो चढ़ रहा है वो कर्ज वो आपका उतरने लगेगा। इतनी पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, अगर आप आजमाते हैं इसको आप कुछ ही दिनों में आप मुझे बताएंगे, 1 साल के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना धन आपके पास आना शुरू हो गया बिना किसी पूजा पाठ के भी। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर आजमाकर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं किसी ऐसी समस्या से जिससे आप जूझ रहे हैं, बहुत बार क्या होता है आपका नाम ही आपके लिए दुर्भाग्य का कारण होता है, संघर्ष कर करके थक गए हैं, कुंडली बहुत अच्छी है, पंडित जी से आपने दिखाई कुंडली बहुत अच्छी है, फिर भी आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्या कारण है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की उम्र निकल गई है अब क्या करें, या पति पत्नी में बनी नहीं रही है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है तो अब क्या, ये सारी समस्याओं के निदान चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण एक बार कराइए। अपना नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरा स्क्रीन पे नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी अन्य विषय पर चाहिए वीडियो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन, रैंडमली सेलेक्ट होने पर संडे वाली वीडियो में आपका आंसर जरूर मिले। धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, आगे फॉरवर्ड करते रहिए, आपको प्रतिदिन नई से नई जानकारियां मिलती हैं आपके भाग्य को बढ़ाने वाली बिना किसी खर्चे वाली उपाय के। तो दोस्तों अपने प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।